अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आज आया हूँ खेतों में, खेतों को देखने आया हूँ। काफ़ी देर बाद आया हूँ आज, और देखने आया हूँ कैसे क्या क्या इसमें लगाया हुआ खेतों में। और मैंने कहा चलो आज फारिग हूँ तो देख के आता हूँ क्या क्या लगाया हो, और आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये पहला खेत है, इसमें गंदम लगाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हल्की हल्की सी बाहर आई हुई है, ये भी बड़ी होगी आहिस्ता आहिस्ता, अभी इसको पहला पानी भी नहीं लगाया हुआ। और देखते हैं गन्ना कैसा है, ये भी छोटे छोटे गन्ने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। ये काफ़ी मोटे मोटे गन्ने भी होते हैं, वो खाने वाले होते हैं, वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं, उनका छिलका भी बड़ी आसानी से उतर जाता है, इनका छिलका नहीं उतरता जल्दी आसानी से। ये गुड़ वगैरह बनाने के लिए ये काम आते हैं, अच्छे होते हैं गुड़ वगैरह बनाने के लिए। बाकी कोई होते हैं जो मोटे वाले होते हैं, वो वैसे मिल वगैरह को दे देते हैं चीनी बनाने के लिए, शुगर बनाने के लिए। दूसरे खेतों में वो ज़रा इस खेत से दूर हैं। ये देखिए, वाटर चैनल है, और ये दूसरा वाटर चैनल है, उसमें तो पानी नहीं था लेकिन इसमें पानी है। ये देखिए, इसमें पानी है। जी गाइस, मैं दूसरे खेतों में पहुंच चुका हूं, और ये देखिए इसमें सरसों लगाई हुई है, ये सरसों के पौधे हैं जिससे सरसों का तेल निकलता है। ये भी बीज बनेंगे, ये देखिए अभी किसी पे भी नहीं बीज लगे, फूल ही लगे हुए हैं, और जब इस पे बीज लगेंगे तो फिर इसको निकाल लेंगे, खुश्क हो जाएंगे तो फिर इसको निकाल लेंगे, निकाल के तो फिर इसमें से तेल निकलवाएंगे। ये हाफ खेत में ये सरसों लगाई हुई है, और बाकी अगले हाफ में गंदम लगाई हुई है, जाके देखते हैं ये भी गंदम ने ग्रो करना शुरू किया है या नहीं अभी। ट्यूबवेल है, लेकिन इसको कभी कभी चलाते हैं, महीने बाद या काफ़ी देर बाद, वो हम सायों का लगा हुआ है उसे यूज़ कर लेते हैं ज़्यादा, और इसे कम ही चलाते हैं। इसका पानी भी थोड़ा सा खारा नमकीन टाइप है, इस वजह से इसको कम ही चलाते हैं, कभी ज़रूरत पड़े तो फिर ही चलाते हैं। और ये बरसीम की फसल है, ये जानवरों का चारा, चारे के टाइप पे इस्तेमाल होती है, ये जानवरों का चारा ज़्यादातर इसे लोग बनाते हैं, इसका बीज भी बनाते हैं बाद में सेल करते हैं, लेकिन फ़िलहाल यह चारा ही है। मैं आगे चलता हूँ, आगे जा कर देखता हूँ। ये देखिए, ये मूलियाँ लगी हुई हैं, ये मूलियाँ, ये भी छोटी हैं, मैं एक निकाल के देखता हूँ किस साइज की हो गई है। ये देखिए, ये भी छोटी सी है, इतनी बड़ी नहीं हुई अभी। और आगे ये लगे हुए हैं, ये भी मूलियाँ ही हैं सारी, ये सारी की सारी मूलियाँ ही हैं। और ये लहसुन लगा हुआ है, निकाल के देखते हैं लहसुन कितना कितना हुआ है, ये निकल ही नहीं रहा। ये देखें, अभी अभी छोटा छोटा सा ही है, ये बड़ा होगा अब फिर खाने के काबिल होगा। वैसे ऐसे भी लोग डालते हैं,
सालन वगैरह में डालते हैं, साग वगैरह में भी डालते हैं। इसको फिर दोबारा लगा देते हैं, लेकिन ये होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी इसको लगा देते हैं। और ये धनिया, ये इसको लेकर तो नहीं जा सकता क्योंकि मैं कोई शॉपर वगैरह नहीं लेके आया, इस वजह से दोबारा फिर जब आऊँगा तो फिर इसे लेके जाऊँगा। ये खेतों का फ्रेश धनिया होता है, उसमें गजाइत भी ज़्यादा होती है। और ये देखें, ये पालक लगाई हुई है। और ये देखें, ये मेथी, ये देखिए, ये मेथी अभी छोटी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई। अब मैं वापस जाऊंगा, और जाते हुए रास्ते में हम साईं के खेतों में जाऊंगा, और आपको वहां पे जाके गन्ने का रस निकलता हुआ दिखाऊंगा और गुड़ बनता हुआ दिखाऊंगा। तो मैं हमसायों के खेतों में पहुंच चुका हूं, और ये उनके जानवर बांधे हुए हैं, और ये इसमें दोनों बैलों को डालेंगे, एक को एक तरफ, ये एक को एक तरफ डालेंगे और दूसरे को दूसरी तरफ। और ये फिर ऐसे इसको लगा देंगे, ये ऐसे ऊपर, ये इसमें बैल का गला होगा, ये ऐसे लगा देंगे और फिर इसको लेके तो घर जाएंगे। ऊपर चारा वगैरह रख के और बाकी जो सामान होगा वो रख के लेके जाएंगे। ये गुड़ बन रहा है, और ये देखिए नीचे आग लग रही है, यहाँ से आग लगेगी और यहाँ से ये पकना शुरू हो गया है। तो ये इसके पीछे वाला, इसको दोबारा इसके अंदर वो निकाल के तो फिर इसको डालेंगे। और ये इसमें से मैल निकली हुई है, ये इधर रखी हुई है, और ये गन्ने का रास्ता निकल गया है पहले से ही, ये निकला हुआ पड़ा हुआ है अभी इधर। ये गुड़ बन रहा है, और ये देखिए ये नीचे आग लग रही है, यहाँ से आग लगेगी और यहाँ से ये पकना शुरू हो गया है। तो ये इसके पीछे वाला, इसको दोबारा इसके अंदर वो निकाल के तो फिर इसको डालेंगे। और ये इसमें से मैल निकली हुई है, ये इधर रखी हुई है, और ये गन्ने का रास्ता निकल गया है पहले से ही, ये निकला हुआ पड़ा हुआ है अभी इधर। ये गुड़ के छोटे छोटे केक बनाए हुए हैं, ये हाथ से ही बनाए हुए हैं, और ये भी बनाए हुए हैं, ये रखे हुए हैं। ये इंजन से पानी निकलता है, ये वो वाला पानी है, और ये इंजन, इसको कवर किया हुआ अच्छी तरह से। और यहाँ पे इसको भी कवर किया हुआ है, यहाँ पे गन्ने लगाते हैं और दूसरी तरफ से रस निकलता है, और रस निकल के वो उसमें चला जाता है।